engineer by profession. Right now he is working as a consultant and editor. Monthly income is 20,000 to 30,000. Age 53 years. He is never married. He is unmarried. 249. Mr. N.T. Raj. Namaskar. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅನುಬಂಧ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಇದು 2002 ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜನ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸೋನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಸಲ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಪಂಚಾಲ್ ಮುಕ್ತಾಬೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಜರಾತ್. हम ये संस्था के उद्देश्य, जो संस्था है अनुबंध फाउंडेशन और आरत्या फाउंडेशन का ये उद्देश्य है कि जो बुढ़ापे में लोग अकेलापन भुगतते हैं तो उसके साथ अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो उनकी अच्छी तरह से केयर हो सकती है. जो बुढ़ापे में जो बच्चा उसको लोग बड़े लोग हो गए बिजनेस में बिजी होते हैं तो उन लोगों को साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है और उसकी स्वास्थ्य के लिए कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है तो उसके अकेलेपन में सोचता है कि मुझे भी कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो मैं भी उसके साथ घूमूं फिरूं और उसके साथ अच्छी अकेलापन मेरा दूर हो जाएगा. और हमारे फाउंडेशन में इतना उद्देश्य है कि अकेलेपन दूर करने के लिए जो वयोवृद्ध है उसको हमारे ये सम्मेलन में आए और सम्मेलन में आके उसका जो विचार है उसको नई दुनिया में ले जाए और 50 साल के बाद उसको जो जीना है वो 25 साल के बाद जीने में उसको नया उजास फैलाने का हमारा उद्देश्य है संस्था का. जो उजाला में जाएगा तो वो अंधेरे से बाहर आ जाएगा. और जो हमारा संस्था का उद्देश्य है वो इतना अच्छा उद्देश्य है कि उसका उजाला जो अंधेरा है तो अंधेरे में से उजाले में लाएंगे. और कई महिलाओं उसे महिला इस सम्मेलन में आती है और बुजुर्ग लोग भी आते हैं उसको आके बाद इधर बहुत खुशियां मनाते हैं. कई लोग ने इस संस्था में जुड़े, कई कपल जुड़ गए, अभी हमारे साथ पिकनिक में आते हैं और आते हैं उदास होके आते और खुश होके चले जाते, वही हमारी संस्था का उद्देश्य है. मेरा नाम नटूभाई पटेल है. हम अनुबंध फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है और हमको जो स्पॉन्सर किया जाता है वो रिजवान आरतिया फाउंडेशन है. हम चाहते हैं कि जो अकेलापन दूर करें, रियल लाइफ स्टार्ट आफ्टर 60, जो 60 के बाद अपना जीवन साथी खो चुकते हैं उनको एक सहारा चाहिए, उनको बातचीत करने वाला चाहिए, उनको एक जीवन साथी चाहिए, वो हम प्रोवाइड करें. उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं बातचीत करने के लिए, एक जीवन साथी चुनने के लिए. तो अगर एक अच्छा साथी मिल जाता है वो उनकी आयु बढ़ जाएगी. आजकल बच्चे के पास टाइम नहीं है शेयर एंड केयर करने के, वो कहाँ जाएंगे, वो किसको बोलेंगे हमको प्यार करना है, हमको एक साथीदार की ज़रूरत है. तो ये हमारा अनुबंध फाउंडेशन उनको ये मदद करता है कि बुढ़ापे में भी अच्छा जीवन साथी मिल जाने से उनकी आयु बढ़ जाती है. लीगल एडवाइजर एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर दिस अनुबंधा फाउंडेशन. वी हैव 12,000 कैंडिडेट्स इन अवर अनुबंधा फाउंडेशन. सो व्हाई वी स्टार्टेड, जस्ट साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होता है ना आफ्टर 50s, इट्स अ लोनलीनेस इज अ कर्स. वी वांट टू क्यूर करना चाहते हैं हम लोग. So that's what we are doing, that everywhere in India we conducted meeting, 52 sammelan we conducted, and Kashmir tak, Kanyakumari tak, Gujarat se Saurashtra tak, we covered all the states, and already we 146 marriages happened here, and there is a living relationships also in our Anubandha Foundation. So Delhi, Haryana recently we conducted, so Bengaluru we are doing this in third time. So it's a huge success in the first time. And we hope we did it in here also. So we are helping a lot for the senior citizens to come out of the loneliness, because loneliness is a curse. We want to get away from that. And thank you very much.